फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में मैं विकास शर्मा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्क एनर्जी एंड पावर 11th साइंस में इंग्लिश मीडियम में चैप्टर नंबर 6 है अपना वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो हम ऑफलाइन क्लासेज के अंदर पढ़ चुके थे। आज हम स्टडी करते हैं इसके आगे का जो पार्ट है वो। तो पहले थोड़ा सा जो बेसिक अपना बच गया था उसको पढ़ेंगे, देन उसके बाद आगे का जो पार्ट है वो पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे एक बार फटाफट से ऑनलाइन आओ, फटाफट सभी वीडियो को ध्यान से देखें और जो पीछे का पार्ट था उसको आज रिवाइज करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो आगे का जो पार्ट था अपना वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बेसिकली पता है आपको जो आपका जो वर्क होता है वो बेसिकली फोर्स और आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, वह आपका वर्क होता है। बेसिकली हम इसको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के वर्क से डिफाइन करते हैं। इसका मीन क्या हुआ? इसका मीन हुआ कि फोर्स जो वर्क जो है वो W इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट D वेक्टर। D को यहां पे हमने डिस्प्लेसमेंट माना है, अगर यहां पे डिस्प्लेसमेंट ds हो तो F वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट ds वेक्टर हो जाएगा अपना वर्क। अब देखो ये जो है ये डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसके लिए प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था स्टार्टिंग के अंदर, डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट जो आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा हम लिखते हैं। थीटा जो है वो अपना बेसिकली एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर होता है। ओके, यहां पे डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट, तो इसको ओपन करेंगे वर्क को तो क्या हो जाएगा, वर्क डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा या एफ डी एस कोस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पीछे वाले लेक्चर में पढ़ लिया था, ऑफलाइन क्लासेज में ये फॉर्मूला पढ़ लिया था और इसके इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी वो सारी की सारी हमने ऑफलाइन क्लासेज में डिस्कस कर ली थी। ओके, इससे आगे की बातें करते हैं। अभी जो बेसिक आपको पता है यहां पे कि थीटा की वैल्यू जब जीरो डिग्री हो जाती है, थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ डी कोस जीरो डिग्री। कोस जीरो की वैल्यू होती है वन, ठीक है, कोस जीरो की वैल्यू होती है वन, इसलिए यहां पे लिखेंगे हम एफ डी इंटू वन और एफ डी। ठीक है, चलो ये जो वर्क डन है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था कि कोई स्मॉल एम मास का पार्टिकल स्मॉल एच हाइट से, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के अलोंग नीचे गिरे, अर्थ के ऊपर गिरे स्मॉल एच हाइट से, तो उसके अंदर जो वर्क डन स्टोर होगा वो होगा W इज इक्वल टू एम जी एच। ये वर्क डन स्टोर होगा और इसी को ही हमने पोटेंशियल एनर्जी माना था, यही अपना पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा होता है। क्लियर? ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। इसी प्रकार हम यहां पर जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मान लेते हैं, तो बेसिक सी बात है W इज इक्वल टू एफ डी कोस 90 डिग्री और W इज इक्वल टू एफ डी इंटू जीरो, W इज इक्वल टू जीरो। तो इस सिचुएशन में कोई वर्क डन नहीं होता जब कोई पार्टिकल परपेंडिकुलरली, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से ऊपर से नीचे गिरता है, तब तो ये वर्क डन उसमें इतना होगा। लेकिन हमने क्या किया, किसी पार्टिकल है उसको ऊपर उठा लिया, सीधा पकड़ गया, ऐसा ऊपर उठा लिया वापस उसको नीचे रख दिया। ठीक है, तो ये नॉर्मली हम बोलते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, सीधी सी बात है। तो इस सिचुएशन में देर आर नो वर्क डन बाय द पार्टिकल। ठीक है, बॉडी पार्टिकल ऑब्जेक्ट जो है वो कोई वर्क नहीं करता। क्लियर? नेक्स्ट एंगल की बात करें तो नेक्स्ट एंगल अपना हो जाएगा जब एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, 180 डिग्री, तो यहां पे जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ डी कोस 180 डिग्री। अब हमें पता है कि कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1,
सीधी सी बात है, देन आपका वर्क क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस एफ डी, ठीक है। या डीएस की बात करेंगे तो W इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डीएस, ठीक है, नेगेटिव में, ठीक है। दिस वर्क डन इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क, इसको नेगेटिव वर्क कहते हैं, ठीक है। ये बेसिक सी बातें थी, इसके बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल भी किया था, क्लियर यहां तक, ठीक है। अब देखो इसके आगे का पार्ट, ठीक है, इसके आगे हमने वर्क एनर्जी थ्योरम की थी, पता होगा आप सभी को वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वो हमने की थी। उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सारा का सारा मैं डिस्कस कर देता हूं एक बार, इसको रिपीट मार देता हूं एक बार, उसके बाद में शुरू से हम कर लेंगे, ठीक है। देखो अभी जैसे बात करें तो काइनेटिक एनर्जी अपनी हम पढ़ लेते हैं एक बार, तो वर्क एनर्जी थ्योरम थी वो थी W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसको हमने लिखा था W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। जो पीछे का रिपीट कर रहा हूं एक बार में, जो नए बच्चे हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद में जो काइनेटिक एनर्जी थी, इससे पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी उसका फॉर्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर, ये अपना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था, ठीक है। इसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी हमने की थी यू इज इक्वल टू एम जी एच, ठीक है, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, यू इज इक्वल टू एम जी एच, ये थी अपनी पोटेंशियल एनर्जी, ये थी काइनेटिक एनर्जी, और ये थी अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम थी। द डिफरेंस बिटवीन फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। यहां पे काइनेटिक एनर्जी एम मास का पार्टिकल था, वी फाइनल वेलोसिटी से चल रहा था, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इतनी स्टोर होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो यू इज इक्वल टू एम जी एच, हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, यहां तक का पार्ट। फिर उसके बाद में इसकी जो यूनिट बोलते हैं वर्क की यूनिट, अपन ने देखा था कि जूल होती है, ठीक है ना, जूल होती है, ठीक है, वर्क की यूनिट अपने देखा था जूल या न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर कैसे हुई, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स की यूनिट न्यूटन, और मीटर क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट की, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखा था हमने, डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, एम वन एल वन टी माइनस टू न्यूटन वाला इंटू एम क्या हो गया मीटर वाला एल वन, तो एम वन एल टू टी माइनस टू, तो इट्स डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट कितना वर्क डन करता है ये उसका डायमेंशन फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। यहां तक, जहां मुझे तक मुझे लगता है आपको कोई समस्या नहीं है, हम लोग क्लास में भी ये बातें पूरी बातें कर चुके थे, इसके बेसिस भी हमने न्यूमेरिकल भी कर ली, मतलब जो है वो सॉल्व किया था वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर, न्यूमेरिकल भी हमने कर लिए थे, ठीक है। अब देखो आज का टॉपिक, ठीक है, आज का टॉपिक क्या है अपना, वो टॉपिक देखते हैं पहले, बाकी झमेला बाद में, क्योंकि मुझे पता है सभी बच्चे हैं वो आगे पढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, पीछे वाला तो किसी को रिपीट चाहिए नहीं, क्लास के अंदर भी मतलब बच्चों की बार बार मांग आ रही थी कि सर कुछ करो कुछ करो, तो अभी कर रहे हैं आपके लिए, और आप कुछ नहीं कर रहे हो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हम उसमें कोई कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा अपना कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस, हेडिंग लगा लो सभी, बोल बोल के लिखवाऊंगा नोट्स में, कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, यहां से अपना स्टार्ट होता है टॉपिक कंजर्वेटिव फोर्सेस, कि कंजर्वेटिव फोर्स है वो क्या होता है, ठीक है। चलो पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, बाद में समझाऊंगा मैं इसको, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में लिखो, सभी बच्चे नोट्स लिखना शुरू करेंगे, आपको पता है नोट्स समय लिखने, मैंने आपको जैसा आपसे प्रॉमिस किया था कि जो नोट्स हैं वो मैं आपको बोल बोल के लिखवाऊंगा, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको नोट्स लिखवा रहा हूं, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेज, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है पहले वो देखो, ठीक है, लिखो इसमें, व्हेन वन और मोर फोर्सेज एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल, व्हेन वन और मोर फोर्सेज एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल, व्हेन वन और मोर फोर्सेज एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल,
एक्ट ऑन ए पार्टिकल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम व्हेन इट्स रिटर्न बैक इन इनिशियल स्टेट देन इट्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम व्हेन इट्स रिटर्न बैक इन इट्स इनिशियल स्टेट व्हेन काइनेटिक एनर्जी then its kinetic energy remains same when its return back in initial state called conservative force ठीक है। ये हो गया आपकी कंजर्वेटिव साइड कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन। ठीक है, ये हो गया आपका कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट लगाओ आप हेडिंग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा अपना नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इसमें लिखो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में लिखो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो इसकी डेफिनेशन है उसमें लिखो when object is returned back in its initial state या पोजिशन की बात है when object is returned back in its initial state then in its initial state then then its kinetic energy changes with respect to time called non conservative force कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सिंपल सी बात है, यदि फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं हो वो कंजर्वेटिव जीरो हो नॉन कंजर्वेटिव, सीधी सी बात है। क्यों, चलो ठीक है छोड़ो इसको। कंजर्वेटिव जो है कंजर्वेटिव फोर्स में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो जब अपनी इनिशियल स्टेट के अंदर आती है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से फोर्स होते हैं, वे फोर्सेज होते हैं जिसमें जब काइनेटिक एनर्जी है वो अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाती है। पार्टिकल में कितनी काइनेटिक एनर्जी है बच्ची, उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी वो होती है, उसके ऊपर जो फोर्स वर्क करता है वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो जब इनिशियल स्टेट में आती है, ठीक है, जब वो इनिशियल स्टेट के अंदर आती है तो उसकी वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। इनिशियल स्टेट में आने के बाद उसकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तब जो फोर्स रहेगा उसके अंदर वो फोर्स क्या रहेगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी है वो एज ए वर्क डन होती है, और वर्क डन जब हम करते हैं उसमें अपने को फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी वर्क डन विदाउट फोर्स पॉसिबल नहीं होता। तो इस सिचुएशन के अंदर जो फोर्स आपने पढ़ा वो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये अपना कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव हो गया। उसके बाद में आप पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ लिया था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग लगाओ लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो पहले चीज देखो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, आराम से चिंता मत करो, आप आराम से पूरा वीडियो देख के नोट्स को हैंडराइटिंग में लिख लो, एकदम से जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं उसी तरीके से मैं आपको नोट्स लिखाऊंगा, चाहे अपने 10 की जगह 20 लेक्चर अपलोड हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो क्लास आपको मिलेगी फिजिक्स की, बाकी सब्जेक्ट से देखो मेरे को मतलब नहीं है, फिजिक्स की जो क्लास आपको मिलेगी उसमें मैं आपको बोल बोल के नोट्स लिखाऊंगा जो हम ऑफलाइन क्लास में लिखते हैं, सीधी सी बात, नो फॉर्मेलिटी, कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं है, टाइम लगेगा लगेगा, क्लास नहीं लेनी होगी तो मना कर देंगे क्लास नहीं लेंगे, लेकिन जो लेंगे उसके अंदर आपको जो ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाते थे जिस तरीके से, आपको तो खाली वीडियो आगे फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, एक बार करना पड़ेगा, बस लिखते जाओ आप तो, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी पार्टिकल के अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, आई वाज में काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होता है, इफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिमेन कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट हो, कहने का मतलब है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा जीरो हो जाए, जीरो की जगह हम कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट हो जाए, तो इन दिस सिचुएशन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टिकल इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का बेसिक मीनिंग जो होता है उसका मतलब होता है किसी भी पार्टिकल को, जैसे अपने बोल दिया कि पार्टिकल कंजर्वेटिव है तो पार्टिकल जैसा है वैसा का वैसा रहना चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेटिव है तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी ये कांस्टेंट होनी चाहिए, कांस्टेंट मतलब इसके वैल्यू के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, जितनी है उतनी होनी चाहिए, तो हम ये मानते हैं कि कांस्टेंट है जीरो, क्योंकि जीरो है तो जीरो के साथ कौन छेड़खानी करेगा भाई, सीधी सी बात है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है वो मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होता है, और यदि ये कांस्टेंट हो जाए तो इसको बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट फटाफट लिखो, इसको लिखो, इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इसमें फटाफट लिखो, लिखो व्हेन द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉन्स्टेंट, When the sum of kinetic and potential energy is constant, sum of kinetic and potential energy remain constant या is constant, constant, then energy is conservative, then energy is conservative called लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो इसके नीचे लिख लो, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिख लो, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, और मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब ये जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इफ मैकेनिकल एनर्जी इज जीरो, जीरो देन मैकेनिकल एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, और डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू,
ठीक है। अब देखो डेल्टा के मीन्स होता है काइनेटिक एनर्जी, और डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। दोनों इक्वल में नेगेटिव तो है, बिल्कुल नेगेटिव तो है, लेकिन दोनों इक्वल के अंदर है। इक्वल है इसका मतलब कि कोई भी पार्टिकल जब स्मॉल एच हाइट से नीचे गिरता है तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है वो वर्क करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वर्क करता है, दैट मींस कि पार्टिकल जब नीचे गिरेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। क्लियर, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। तो हम ये मानते हैं कि कोई पार्टिकल, इसको लिख लो आप नोट्स में लिख लो, हम ये मानते हैं कि कोई पार्टिकल जब स्मॉल एच हाइट से नीचे गिरता है, ठीक है, जैसे कोई फ्री फॉलिंग बॉडी है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट से स्मॉल एम मास का पार्टिकल नीचे गिर रहा है, फ्रीली पार्टिकल नीचे आ रहा है, यहां पे यहां तक पार्टिकल पहुंच गया, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर बी मान लिया मैंने, इस पॉइंट के ऊपर सी मान लिया मैंने, ए बी और सी तीनों पॉइंट के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है वो वर्क करता है, मतलब तीनों पॉइंट के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। ये हम अगले वीडियो लेक्चर में प्रूव करेंगे, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो है, ठीक है, इसका हम एग्जांपल लेके प्रूव करेंगे कि आपके पास जो फ्री फॉलिंग बॉडी है, ठीक है, फ्री फॉलिंग बॉडी है वो किस तरीके से और अर्थ के ऊपर आके गिरती है, जब वो गिरेगी स्मॉल एच हाइट से वो गिरती है तो ये प्रूव कीजिए कि उसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है ये वर्क करता है, ठीक है। तो ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे जैसा ऑफिशियल जो आदेश था उसके अनुसार ये था कि पहला जो वीडियो है, फर्स्ट वीडियो ज्यादा लेंथ नहीं होना चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे हैबिट पड़ेगी आपको, उस हिसाब से मैंने बनाया वीडियो। और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को आप पर्सनली जो व्हाट्सएप का अपना ग्रुप है उसमें मैसेज कर सकते हो, और इतना जो आज पढ़ाया है मैंने इसको आराम से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत ही बड़ा, धीरे धीरे जो क्लासेज का टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग अपलोड करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आज जो हमने ये वीडियो थोड़ा सा क्या है कि कम लेंथ का बनाया है तो आगे वाले भी ऐसे टाइम पास करते हैं, ना, ऐसा मतलब नहीं है। आगे वाला वीडियो जो 40 से 50 मिनट का आने वाला है उसमें जो नोट्स हैं वो आपको मैं आज जैसे मैंने बोल बोल के लिखवाई वैसे ही आपको नोट्स बोल बोल के लिखवाएंगे, और जो टॉपिक्स हैं वो सारे हम आगे इसमें क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को शेयर करते रहें, ये तो आपको देखो पता ही है, आपको कहने की जरूरत नहीं है, और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। जो भी स्टूडेंट आपके कॉन्टेक्ट में है उनको ये वीडियो आप दे सकते हो, इसमें कोई वो बात नहीं है। थैंक यू।